हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो हमें हम ये डिज़ाइन सीखने के लिए जा रहे हैं। चैलेंजिंग डिज़ाइन है, जी हाँ, मेरे लिए भी, क्योंकि ये मेरी स्टाइल बिल्कुल नहीं है। ये कौन से आर्टिस्ट की डिज़ाइन है मुझे नहीं मालूम। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अगर आपके पास आर्टिस्ट का नाम हो, ओरिजिनल आर्टिस्ट का नाम हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम उन्हें टैग करके पूरी क्रेडिट देंगे। जी हाँ, ये जो स्टाइल है, अरेबिक गल्फ स्टाइल भी इसे बोल सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर ये स्टाइल है। लेकिन नए आर्टिस्ट को ये बहुत चैलेंजिंग भी लगती है और कई बार हमारे कस्टमर ऑन द स्पॉट इसका रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। क्यों ये चैलेंजिंग है? क्योंकि इस तरह की मेहंदी की डिज़ाइन में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। आर्टिस्ट अपनी क्रिएटिविटी से डिज़ाइन बनाता जाता है, जहाँ पर जितनी जगह अवेलेबल होती है उस तरह से अपने पसंदीदा जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज कर लेता है, और यही उस आर्टिस्ट की खूबी होती है, वो ही आर्टिस्ट का टैलेंट होता है जो उसके पास है। ज़रूरी नहीं कि वो टैलेंट सबके पास हो, और इसीलिए इस तरह की डिज़ाइन चैलेंजिंग हो जाती है। उस वक्त ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है जब ये आपकी स्टाइल नहीं होती, दूसरा जब आपका कस्टमर आपको इसकी कॉपी बनाने के लिए कहता है। कॉपी बनाना नामुमकिन है। जब भी कोई कस्टमर इस तरह की डिज़ाइन रिक्वेस्ट करे तो उन्हें पहले ही बता दीजिए, अगर ये आपकी स्टाइल नहीं है तो, कि ये आपकी स्टाइल नहीं है और इसकी कॉपी बनाना मुश्किल है। आप कोशिश करेंगे मेन एलिमेंट और स्ट्रक्चर को कॉपी करने की, और फिर इसे जो बनेगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, रिक्रिएशन करने की कोशिश करेंगे। कॉपी बनाना मुश्किल है। तो इस तरह के डिज़ाइन में आप देख सकते हो कि बेस डिज़ाइन ढूंढना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। इस डिज़ाइन में बेस डिज़ाइन है इस तरह का, ये इस साइड का ये सर्कल, एक्चुअली ये सर्कल है लेकिन हम सेमी सर्कल रखेंगे क्योंकि ये पीछे की ओर शायद जा रहा है। तो ये इसका बेस डिज़ाइन है। उसके ऊपर जितनी हाथ पे जगह मिली है तो ये फ्लावर को अरेंज किया गया है। ये पहले बनाया गया है, उसके बाद इस फ्लावर को बनाया गया है, और इसके बाद ये डोज जो साइड्स के फ्लावर है वो अरेंज किए गए हैं, और फिर जाके इसको अरेंजमेंट मिला है, और फिर एंड में इसको अरेंजमेंट मिला है। फिर उनके पास जितनी स्पेस हुई उस स्पेस का इस्तेमाल करते हुए यहाँ का एलिमेंट बनाया गया है। तो यकीनन इस तरह की डिज़ाइन में जितनी स्पेस अवेलेबल होती है उस तरह से एलिमेंट रखे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कस्टमर है उसका हाथ बहुत ही छोटा है, जैसा मेरा हाथ है बहुत ही पतला है, तो ऐसे हाथों में बड़े हाथ वाली ऐसी डिज़ाइन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर ये स्ट्रक्चर को हूबहू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब आपको थोड़ा सा एलिमेंट को इधर उधर करना पड़ेगा, छोटा बड़ा करना पड़ेगा, कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। आज हम इसी को रेफरेंस लेके डिज़ाइन बना रहे हैं। कितने सारे एलिमेंट हम उसमें ऐड कर पाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनता है कि नहीं, मेरे लिए भी ये चैलेंज है जैसे मैंने आपको बताया। तो देखते हैं हम कितना जस्टिस इस डिज़ाइन के साथ कर सकते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा मैंने प्रस्तावना इसकी दे दी है क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसी है, मुझे खुद को टेंशन हो रही है। चलिए, उस डिज़ाइन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो मैं बताना ही भूल गई। देखिए, इस डिज़ाइन में इस तरह की जब भी डिज़ाइन हो तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को स्टडी कर लीजिए। हालांकि कोई भी डिज़ाइन हो, स्ट्रक्चर को स्टडी कर लीजिए। अब देखिए, ये जो पूरा मेन डिज़ाइन है वो छोटी उंगली के नीचे है, और ये इंडेक्स फिंगर के नीचे ये स्क्वायर बुट्टा दिया गया है। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। अब जाके देखे क्या हो रहा है, मेरा जो हाथ है वो उल्टा हाथ है, इससे उल्टा हाथ है। देखिए, मैं इस तरह से टर्न करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसमें थंब इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, और इसमें थंब राइट साइड पे है। तो जब भी आप इस तरह की डिज़ाइन मिले तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि डिज़ाइन किस तरह से प्लेसमेंट में है।
उंगली के नीचे, थंब के नीचे, इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की अपोजिट डिज़ाइन होती है, हम ध्यान से देखते नहीं, शुरू कर देते हैं और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि डिज़ाइन पलट चुकी है। अगर कोई सिमेट्रिकल डिज़ाइन है जिसमें साइड इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इस तरह की डिज़ाइन है जिसमें साइड इम्पॉर्टेंट है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम बेस डिज़ाइन से यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो जो सेमी सर्कल है वो यहाँ से बनाया गया है और सेमी सर्कल के ऊपर लाइन वेरिएशन दिया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई बेस डिज़ाइन आप बनाते हो तो उस डिज़ाइन के ऊपर लाइन वेरिएशन हमेशा बनानी चाहिए। अनरिटन लॉ हमारे आर्ट पैशन के बेसिक क्लास का ये, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अगर अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इमीडिएटली इस बात से रिलेट करते हैं कि हमारे क्लास में इस बात पे कितना जोर दिया जाता है। और देखिए मैं कितनी स्लोली लाइन ड्रेप कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो लाइन में परफेक्शन चाहिए इसीलिए, और इसलिए मैं साथ में बोल भी रही हूँ कि आपको पता चले कि मैं स्पीड अप नहीं कर रही। बीच बीच में जहाँ पर मोनोटोनस डिज़ाइन हो जाएगी मैं वीडियो को स्पीड अप कर दूंगी, जैसे कि अब यहाँ पर चेक्स बनने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फ्लावर है वो हम बना देते हैं, और दूसरी बात हम हैंड में फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बना रहे हैं जबकि रेफरेंस में हैंड के पीछे वाले भाग में डिज़ाइन है। तो ये जो फ्लावर है यहाँ पर है तकरीबन, जैसे मैंने कहा कॉपी करते वक्त एग्जैक्ट प्लेसमेंट, एग्जैक्ट साइज नामुमकिन हो जाता है, और इसीलिए इस तरह की डिज़ाइन में थोड़ा सा चैलेंज रहता है। लेकिन हम मेन जो एलिमेंट है वो यहाँ पर ले रहे हैं कि जैसे कि ये हमने बेस डिज़ाइन लिया, ये जो फ्लावर यहाँ पर उन्होंने बनाया है वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम पहले नीचे की डिज़ाइन बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पर जो फ्लावर है वो बनाएंगे। ऊपर की डिज़ाइन हम एंड में बनाएंगे क्योंकि हमें हाथ रखने के लिए जगह चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, रेफरेंस में कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या है, लेकिन हम यहाँ पर छोटा सा ये सिमिलर फ्लावर बना देते हैं। अब इसके बाद इस जगह पे एक रिवर्स कटवर्क का पैच किया गया है तो हम वो रिपीट करेंगे। जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई डिजाइन बनाते हैं रेफरेंस पर से तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है क्योंकि हम रेफरेंस को बार बार चेक करते रहते हैं। अब मैंने एक बार इस डिज़ाइन को बना लिया, अगर मुझे इसके बाद इस डिज़ाइन को बनाना होगा तो मेरे लिए बहुत ही स्पीडी काम होगा क्योंकि मुझे मालूम है कौन से एलिमेंट लेने हैं, उसको कहाँ पे रखना है और किस तरह से उसे एडजस्ट करना है। अब इस जगह पर थोड़े से फ्लावर
अरेंज किए गए हैं तो वो मैं अपने हिसाब से अरेंज करूँगी। उन्होंने जो फ्लावर इस्तेमाल किए हैं उसी तरह के फ्लावर मैं यूज़ करूँगी, लेकिन अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ पर एक बॉर्डर बनाई है तो वो बॉर्डर मैं पहले बना देती हूँ। और उस बॉर्डर पर उन्होंने गल्फ एलिमेंट को अरेंज किया है तो मैं वही कॉपी करूँगी। मैंने पहले ही कहा हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं गल्फ बॉर्डर तो ले रही हूँ लेकिन एलिमेंट बाय एलिमेंट कॉपी नहीं कर रही हूँ। मुझे जो अच्छा लग रहा है वही एलिमेंट मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो इतनी क्रिएटिविटी की लिबर्टी आपको होनी चाहिए, तो इसीलिए कस्टमर पर अगर ये डिज़ाइन ऐसे बना रहे हो, कस्टमर ने अगर डिज़ाइन निकाली है तो कोशिश करो कि वो इतनी फ्रीडम आपको देता है, और इसके लिए आपको पहले ही उससे बात करनी पड़ेगी क्योंकि कई बार कस्टमर बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब यहाँ पर एक ऐसे गल्फ वाइन जा रही है, आई थिंक पीछे तक जा रही है लेकिन पिक्चर में दिख नहीं रही है तो इसीलिए मैं इसको इतना ही बनाती हूँ। ओके, अब डिज़ाइन में क्या किया गया है कि यहाँ पर एक दूसरा कटवर्क का एलिमेंट है और फिर उसके ऊपर एक बेल बनाई गई है तो मैं उसको अभी यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। कटवर्क के अंदर जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं वो मैं अपने हिसाब से उनके जो एलिमेंट है उसको नज़र में रखते हुए अपने हिसाब से मैं लगा रही हूँ कि उन्होंने इस तरह से थ्री लीव्स इस्तेमाल किए हैं तो मैंने इस्तेमाल तो किए लेकिन अपने हिसाब से मैंने उसको प्लेस किया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अपने हिसाब से करनी पड़ती है अगर आप किसी भी डिज़ाइन को कॉपी करते हो। अगर यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर भी बना सकते हो, अगर जगह ज़्यादा है तो आप इस एलिमेंट को बड़ा कर सकते हो, तो वो सब आपको ऑन द स्पॉट असाइनमेंट के दौरान ही करना पड़ेगा, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता। अब यहाँ पर कुछ फ्लावर बनाए हैं तो वो मैं बना देती हूँ क्योंकि बाकी का जो है वो जगह को यूटिलाइज करने के लिए जो गल्फ एलिमेंट आते हैं उसका प्लेसमेंट ही है। कहीं पे कोई जगह छूट जाती है हमें खाली अच्छी नहीं लगती, जैसे कि यहाँ पर है तो हम कुछ पत्तियाँ गल्फ की ऐसे इधर उधर डाल देते हैं तो वो हमारा इम्प्रॉम्प्टू होता है कि जगह का इस्तेमाल होता है, वो डिज़ाइन में नहीं होता लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खाली लग रहा है तो हम वो डाल सकते हैं डिज़ाइन में। आपको फ्लावर की स्टाइल भी अगर चेंज करनी है डिज़ाइन में तो आप कर सकते हो थोड़ा अपना टच देके। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ अगर कस्टमर डिमांड करता है तो सिमिलर कीजिए, अगर सिर्फ उन्हें स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है एलिमेंट के लिए वो बहुत फसी नहीं है तो एलिमेंट आप अपने हिसाब से लगा दीजिए।
स्ट्रक्चर माने डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर ये डिज़ाइन बनी है, यहाँ पर स्क्वायर बना है, लेकिन अंदर फ्लावर कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, पैटर्न कौन से इस्तेमाल की गई है, वो एलिमेंट में आता है। चलिए अब यहाँ पर कुछ तो उन्होंने स्पेस को यूटिलाइज करते हुए कुछ किया है, मैं कुछ थोड़ा सा ऐसे डाल देती हूँ। अब हम यहाँ के डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ पर आते हैं। इस एरिया में उन्होंने चेक्स बनाई है और यहाँ पर बॉर्डर की है, तो पहले हम बॉर्डर बना लेते हैं, फिर बाद में हम चेक्स से उसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि चेक्स दोनों को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए हम पहले यहाँ की डिज़ाइन बना लेते हैं, बाद में हम चेक्स बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने पहले चेक्स बना दिया और फिर हमारी स्पेस इतनी यूटिलाइज नहीं हुई तो फिर गड़बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पे भी अगर आपको ये वाली गल्फ की वाइन नहीं बनानी है और वो शार्प वाली, ये वाली बनानी है तो ऑप्शनल है, आप बना सकते हो। मैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया है वही बना रही हूँ। जब भी इस तरह से चेक्स को कनेक्ट करो तो यहाँ पर इस तरह से लाइन दे दो, बॉर्डर। अब हम इस फिंगर की डिज़ाइन बनाएंगे। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है फिंगर्स की। अब यहाँ पर भी आप चाहो तो इस चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा पैटर्न में लगेगा, लेकिन उन्होंने जो चेक्स डाले हैं मैं वही डाल रही हूँ। उंगली की डिज़ाइन वैसे देखा जाए तो बहुत ही इजी है। इस डिज़ाइन में जो पूरा चैलेंज है वो पाम का एरिया जो है ना, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर किया गया है कि डिज़ाइन की शुरुआत किस तरह से करनी है, डिज़ाइन को आगे किस तरह से ले जाना है और कौन सा एलिमेंट कहाँ पर रखना है, वही एक चैलेंज है। अगर वो बात आपको क्लियर हो गई तो फिर ये डिज़ाइन बनानी बहुत ही आसान है। तो मैं सुझाव दूंगी कि 100% कॉपी करने की कोशिश ना करें इस डिज़ाइन को, जो उसका स्ट्रक्चर है वो आप पकड़ लो, साइड का और मेन इंडेक्स फिंगर का, और फिर आपको जो अच्छा लगे वो एलिमेंट डाल के ये डिज़ाइन आप बनाओ, और आप बनाओ और हमारे साथ शेयर भी करो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह के वीडियो हेल्पफुल रहते हैं कि नहीं, आपको सीखना मिल रहा है कि नहीं। आप अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करो, हमें टैग करो, अब यहाँ की डिज़ाइन हम पहले ये जो एरिया है वो बना देंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है
वो ये लाइन है पहले, तो वो हम पहले बनाकर स्क्वायर जो उन्होंने बनाया है वो कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपको स्क्वायर नहीं पसंद या फिर स्क्वायर बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरह के सर्कल को भी या लीफ शेप को, यहाँ पर सर्कल बना सकते हो, लीफ शेप बना सकते हो, या कोई भी इस तरह का फ्लावर का गुच्छा भी बना सकते हो, क्योंकि स्क्वायर शेप बनाना मुश्किल हो जाता है। बनाने जाते हैं स्क्वायर और बन जाता है कुछ और, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। सो डोंट वरी। देखिए तो मेन स्ट्रक्चर हमारा परफेक्टली सेट हो गया है डिजाइन में। अब अंदर आपने क्या बनाया इतना ध्यान से कोई नहीं देखता। जैसे कि ओरिजिनल डिजाइन में ये चेक्स, ये स्क्वायर थोड़ा बड़ा है, मेरे पास यहाँ पर उतनी जगह नहीं है समहाउ, तो मैंने स्क्वायर को छोटा सा रखा है। अब यहाँ पर भी उन्होंने जो चेक्स बनाए हैं वो आप बना सकते हो, या तो आप इसमें से कोई भी चेक्स को कॉपी कर सकते हो जो आपको करना हो। मैंने उन्होंने जो चेक्स बनाए हैं वही मैं ले रही हूँ। अब यहाँ की डिज़ाइन तो कुछ दिख नहीं रही है, तो मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर देती हूँ इस फिंगर के हिसाब से। ये डिज़ाइन तो चलिए हमने बहुत अच्छे से बना ली, मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जस्टिस कर पाऊँगी इस डिज़ाइन के साथ, लेकिन हो गया आपके साथ। अब आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि इस तरह के वीडियो मैं और बनाऊं, क्योंकि करवा चौथ आ रही है इसीलिए मैं इस तरह के डिज़ाइन बनाती जा रही हूं, ताकि ऐसी कोई भी डिज़ाइन चैलेंज के तौर पे आपका कस्टमर आपके सामने डाल देता है फिर आपके पास चांस है ये करने के, क्योंकि हमने सिखाया है, तो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं पहली बार ये डिज़ाइन बना रही हूँ तो मेरे खुद के लिए भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, चैलेंजिंग है, लेकिन अब मैंने एक बार इस डिज़ाइन को बना दिया है तो इसका सेटअप मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो अगर अब मुझे दूसरी बार इस डिज़ाइन को बनाना पड़ेगा तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बना पाऊँगी, प्लस मैं खुद के अपने डिज़ाइन इसमें डाल के कुछ नया भी इसके साथ कर पाऊँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं बिना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, लेकिन उससे पहले डिजाइन तो देख लीजिए कि पूरी कैसी बनी है और हमने इसके साथ जस्टिस किया है कि नहीं किया है। ये हमारी ओरिजिनल है डिजाइन, एक मिनट। तो देख लीजिए हमने ये डिजाइन बनाई है
ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैंने इस डिज़ाइन के साथ जस्टिस किया है कि नहीं किया है वो आप देख लीजिए। मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है कि अच्छे से हमने किया है। अब आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।